हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर या मालिक एमएसटी क्लेम मुआवजा या अवार्ड पे करने में सक्षम नहीं है, वो पे नहीं कर पा रहा है, जो अवार्ड है उसको ओनर नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसको जेल की सज़ा हो सकती है? दोस्तों, मुझे देश भर से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से या सब्सक्राइबर्स की वजह से, जो ये कहते हैं कि हमारे पास ना प्रॉपर्टी है ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम एमएसटी का क्लेम विक्टिम के परिवार को दे सकें। तो वो ये पूछते हैं कि इसमें आगे का क्या प्रावधान है कि अगर हम पे नहीं कर पाएँ तो क्या हम क्लेम देने से बच जाएंगे या फिर भी हमें देना पड़ेगा, और अगर हमारे पास है नहीं तो जो अदालत है वो कहाँ से वसूल करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रावधान है, कैसे जो एमएसटी का क्लेम है वो रिकवर किया जाता है अगर ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या मान लो उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, तो तब इसमें क्लेम की राशि कैसे जो है दी जाती है विक्टिम को, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालाँकि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब उतनी संख्या में नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलें, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोड एक्सीडेंट के केस में दो केस फाइल किए जाते हैं। एक केस होता है क्रिमिनल केस जो सेक्शन 279, 304A, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है 337, 338, 427 के तहत दर्ज किया जाता है। ये एक क्रिमिनल केस होता है जिसमें प्रोसिक्यूशन ये साबित करता है कि रैश और नेगलिजेंट ड्राइविंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, और उसमें जो आरोपी होता है, ड्राइवर होता है गाड़ी का या ड्राइव गाड़ी का मालिक होता है, उसको सज़ा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन पूरा जोर लगाती है। उसमें अपना जितना भी एविडेंस है या जितने भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उनकी गवाही कराती है। और दूसरा केस दोस्तों होता है एमएसटी क्लेम का। जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति घायल होता है, चाहे वो गंभीर रूप से घायल हो, चाहे वो मामूली तौर पे घायल हो, और या अगर उसकी किसी की डेथ हो जाए इसमें, तो तब जो है जो विक्टिम पार्टी है वो क्लेम जो है डिमांड करती है, कॉम्पनसेशन का केस फाइल करती है अंडर सेक्शन 166 और 142 मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत। तो ये दो केस पैरेलल चलते हैं, और जब दूसरा केस एमएसटी का क्लेम का केस फाइल किया जाता है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इनफैक्ट तीन चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर वन, कि जो ड्राइवर है एक्सीडेंट के वक्त उसका एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास था। दूसरा, उसकी गाड़ी का एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी को होल्ड कर रहा था, यानी कि गाड़ी पूरी तरह से इंश्योर थी, सभी रिस्क कवर कर रही थी, थर्ड पार्टी रिस्क भी उसमें कवर था, ओन डैमेज रिस्क भी कवर था। और दो चीज़ें, तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ड्राइविंग जो है ड्रंकन ना हो। अगर ड्राइविंग ड्रंकन होती है तो कई बार इंश्योरेंस होते हुए भी इंश्योरेंस कंपनियाँ क्लेम देने से पीछे हट जाती हैं, और उसका खामियाजा जो गाड़ी का मालिक है उसको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ हैं कि अगर जो मालिक है ड्राइवर गाड़ी का या ड्राइवर है कि वो क्लेम देने से
बच जाएगा और जो उसका क्लेम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब क्लेम की पटिशन फाइल की जाती है तो उसमें जो प्लेंटिफ है यानी कि क्लेमेंट है उनका एविडेंस होता है और उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी उसमें इन्वॉल्व होती है और जो गाड़ी का ड्राइवर है या मालिक है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको नोटिस जाता है और उनके उनसे रिटर्न स्टेटमेंट जो है फाइल करने को कहा जाता है और वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं, जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी केस के फैक्ट्स के हिसाब से अपनी रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करती है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर ड्राइवर ने या मालिक ने एक्सीडेंट के वक्त शराब का सेवन किया हुआ है तो ये उनकी टर्म्स एंड पॉलिसी में कवर नहीं होता, जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, तो वो क्लेम देने से जो है इनकार कर सकती है। और अगर मान लो इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस कोई एक्सपायर हो चुका है और या जो है उसमें कोई भी थर्ड पार्टी रिस्क कवर नहीं है तो तब जो है जो गाड़ी का ड्राइवर या मालिक है तो उसको जो है रिकवरी का वो दिया जाता है कि वो जो है जो पेमेंट है कंपनसेशन की कि वो अपने जेब से करे, जितनी भी कंपनसेशन जो है अवार्ड MACT ट्राइब्यूनल जो है फिक्स करता है केस के हिसाब से कि केस कैसा है, अगर सीरियसली इंजर्ड है, परमानेंटली डिसेबल्ड है या किसी की डेथ हो चुकी है तो उसके हिसाब से क्लेम का निर्धारण होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लो इंश्योरेंस था गाड़ी का लेकिन ड्राइवर ने जो है या तो उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था या कोई और लैप्स था जो उनकी पॉलिसी में कवर नहीं होता, तो ऐसे में स्थिति ये बनती है कि जो MACT है वो डायरेक्शन दे सकती है इंश्योरेंस कंपनी को उस केस में कि आप इस जो है क्लेम को सेटिस्फाई करें, आप इस क्लेम को आप पे करें विक्टिम पार्टी को क्लेमेंट्स को और बाद में जो रिकवर करें जो ड्राइवर है या मालिक है गाड़ी का उससे रिकवर करें, एक एग्जीक्यूशन सूट फाइल किया जाता है उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी बाद में करती है और पहले विक्टिम को पेमेंट कर देती है। तो इसको हम कहते हैं पे एंड रिकवर का सिद्धांत होता है। तो ये उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एक अलग से एग्जीक्यूशन का सूट फाइल करती है और फिर उसके हिसाब से रिकवरी करती है। अगर मान लो जो ड्राइवर है या उसका मालिक है गाड़ी का उसके पास पैसे नहीं है तो तब जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकती है और या जो दूसरे एसेट्स हैं, हाँ मान लो गाड़ी है वो बाउंड हो जाती है या और भी किसी तरह का कोई एसेट है वो कोर्ट में अटैच हो जाते हैं और उसके बाद फिर उसके पैसे की रिकवरी की जाती है। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें जो पूछा जाता है सवाल है कि सर मेरे पास तो ना मकान है ना कोई प्रॉपर्टी है और ना मेरे पास कोई दूसरे एसेट्स हैं, तो ऐसे में कोर्ट मुझसे कैसे रिकवरी कर सकती है और अगर मैं पैसे ना दूं तो मुझे क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें बड़े स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि कोर्ट की तरफ से जो भी डिक्री पास की जाती है या एक्सीडेंट का क्लेम का अवार्ड पास किया जाता है, जिसके भी खिलाफ पास किया जाता है उसको वो क्लेम जो है अब पूरा करना होता है, उसे पेमेंट करनी होती है। और जैसे मैंने बताया कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो पूरा का पूरा पैसा जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर है या जो है उसका मालिक है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ वो उसको देना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर उसके पास उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है या पैसे नहीं है तो इसमें दोस्तों CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ऑर्डर 21 रूल 32 के तहत
उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। इनिशियली ये जेल की सज़ा 3 महीने के लिए होगी और इसको सिविल जेल हम कहते हैं, ये क्रिमिनल जेल नहीं होती, सिविल जेल होती है और इसमें एक अलग जो है सिविल जेल बनी होती है। ऐसे जो डिफॉल्टर्स होते हैं या जो डिक्री को कंप्लाई नहीं कर सकते उनके लिए, और उसके बाद जो 3 महीने के बाद जो है हो सकता है जो जो जजमेंट डेटर है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब पैसे की रिकवरी नहीं होगी। उसमें जो है 12 साल तक ये प्रावधान किया गया है कि जो भी जो अवार्ड का पैसा है या डिक्री का पैसा है वो उससे वसूल किया जाए जब भी उसके पास पैसा आए। हो सकता है आज उसके पास पैसा नहीं है, 2 साल के बाद पैसा आ जाए कहीं से, तो तब भी उसको वो अवार्ड सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि MSET का क्लेम देने से नहीं बच सकते और उसमें उसको कभी ना कभी तो चुकाना ही पड़ेगा। और जैसे जो है इसमें पहले जो है जेल का जाने का प्रावधान है और उसके बाद आप जो है एक परमानेंट लाइबल हो क्लेम की राशि देने में, जब भी आपको लगे कि मेरे पास पैसे आ गए हैं तो आप वो क्लेम की राशि सेटिस्फाई करेंगे। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं, जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं जिनसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है अटैच करने को, हमारे पास कोई दूसरे एसेट्स नहीं है, तो फिर हमसे क्लेम का पैसा कैसे वसूल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो है जेल का प्रावधान है अगर आपके पास पैसे नहीं है। इसमें क्लियर जो है ये प्रोविजंस किए गए हैं कि जब तक आप अवार्ड का पैसा या क्लेम का पैसा जमा नहीं करते तब तक आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि MSET क्लेम का अवार्ड कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, अगर इंश्योरेंस है गाड़ी का तो कौन सेटिस्फाई करता है, और अगर इंश्योरेंस या जो है लाइसेंस नहीं है, DL नहीं है, तो तब कौन उसको सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।